अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ताओं द्वारा रूपावास में स्थित आदर्श विद्या मंदिर में विभाग संयोजक कृष्णा जाट के नेतृत्व में स्वामी विवेकानंद की प्रतिमा पर दुग्धाभिषेक कर माल्यार्पण का कार्यक्रम किया गया। इसमें विभाग संयोजक कृष्णा जाट ने बताया कि विद्यार्थी परिषद इसे राष्ट्रीय कार्यक्रम के रूप में मानता है, जिसके अंतर्गत विद्यार्थी परिषद प्रत्येक वर्ष नगर इकाई में अलग अलग कार्यक्रम के रूप में स्वामी विवेकानंद जी की जयंती को युवा दिवस के रूप में मनाते हैं। नगर मंत्री गुरविंद्र सिंह ने बताया कि स्वामी विवेकानंद युवाओं के प्रेरणा स्रोत हैं और उन्होंने अपने पूरे जीवन में युवाओं को और हिंदू धर्म के लिए काम किया। स्वामी विवेकानंद ने 72 घंटे तक लगातार भाषण दिया। जिला विद्यालय संयोजक प्रवीण कुमार ने बताया कि विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ताओं ने स्वामी विवेकानंद के नारे लगाए, भारत माता की जय के भी नारे लगाए। इस मौके पर देवेश राठौड़, संयोजक शिवकांत योगी, नगर सह मंत्री कृष्णा सजनवास, राहुल खेनवार, अमनदीप, अनूप करदम, संजय दाहिना, रवि कुमार, शुभम, मनीष आदि मौजूद रहे।